हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट या स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ एंड इट इज वन ऑफ माय एंड माय फैमिलीज फेवरेट स्नैक और ब्रेकफास्ट रेसिपी। सबको पसंद है, बच्चों से लेकर बड़ों को। बहुत ही आसान है इसे बनाना। इट्स हेल्दी, न्यूट्रिशियस, टेस्टी है। कभी कभी ब्रेकफास्ट में हमें मन करता है कि सेवरी के बदले कोई स्वीट चीज़ खाई जाए जो हेल्दी भी हो, तो ये जो रेसिपी है उसमें बिल्कुल फिट बैठती है क्योंकि मीठी है लेकिन प्रोटीन में भी हाई है और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। तो चलिए सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स पर हम नज़र डाल लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक कप लिया है ओट्स का आटा। तो जो क्विक ओट्स होते हैं उसे पीस कर आप ओट्स का आटा तैयार कर सकते हैं। एक चौथाई कप मैंने लिया है गेहूं का यानी होल व्हीट का आटा। आधा कप दही है। 3 टेबलस्पून पीनट बटर है जो 100% प्योर है, यानी इसके अंदर कुछ और नहीं है, ये 100% नेचुरल है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ज़रा सा हम लेंगे, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा एंड ऑलमोस्ट 1/4 to 1/2 teaspoon ऑफ बेकिंग पाउडर। थोड़ी सी ड्रॉप्स वनीला एक्स्ट्रैक्ट की। चॉप करके डेट्स एंड रेजिन्स इसे स्वीट बनाने के लिए हम लेंगे। इसके अलावा इसे मीठा बनाने के लिए हम एक और नेचुरल स्वीटनर का इस्तेमाल करेंगे जो है देसी खांड, जो बिल्कुल केमिकल फ्री होती है। इसको और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए थोड़े से चॉप करके बादाम और वॉलनट्स मैंने लिए हैं। और 1/4 कप मैंने कोकोनट मिल्क लिया है इसमें ऐड करने के लिए, लेकिन आप इसे लाइट बनाने के लिए इसमें प्लेन वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओट्स जो होते हैं दे आर वन ऑफ दी हेल्दीएस्ट इंग्रेडिएंट जब हम बात करते हैं वेट लॉस की या फिर होलसम इंग्रेडिएंट्स की। ना सिर्फ वो प्रोटीन में और फाइबर में रिच होते हैं बल्कि उनके अंदर कॉपर, सेलेनियम, मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस और आयरन जैसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। पीनट बटर इज जैम पैक्ड विद गुडनेस ऑफ हेल्दी फैट, प्रोटीन एंड विटामिन ई। मैंने यहाँ दही ली है जो B12 में रिच होती है, कैल्शियम में, फॉस्फोरस में, पोटाशियम में, मैग्नीशियम में। नट्स लिए हैं जो प्रोटीन का सोर्स हैं, हेल्दी फैट का, एंड दे हैव प्लेंटी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। खांड जो होती है वो भी रिच होती है कैल्शियम में एंड एज आई सेड इट इज़ कम्प्लीटली केमिकल फ्री। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बोल में दही ऐड कर ली है। अब इसके अंदर मैं पीनट बटर और वनीला एसेंस भी ऐड करके मिक्स करूँगी। मेक श्योर कि जो मिक्सचर है इसके अंदर कोई लम्स ना हो और ये बिल्कुल स्मूथ हो। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। एज आई सेड यू कैन ऐड वाटर, जैसे हम बटर मिल्क बनाते हैं वैसे। इसकी हमें कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ लेकर आनी है। अब हम इसमें देसी खांड ऐड करेंगे और इसे कंटिन्यूअसली मिक्स करते रहेंगे। If required, you can add some more milk या water. अब जब ये बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी का हो गया है, हम इसके अंदर ग्रेजुअली करेंगे ऐड फ्लावर। तो हमारा ये जो आटा है हम इसके अंदर धीरे धीरे मिक्स करेंगे। आटा अगर ऐड करने के बाद आपको लगे कि इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है तो आप इसमें धीरे धीरे और मिल्क ऐड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जितना मैंने मिल्क लिया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसकी बाइंडिंग बिल्कुल सही हो गई है, कंसिस्टेंसी मिल गई है। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें चॉप डेट्स, वॉलनट्स, आमंड्स और रेजन्स भी ऐड करेंगे। इसे हमें कट एंड फोल्ड के मेथड से आराम से हल्के हाथ से मिक्स करना है जब हम इसके अंदर ये नट्स एंड सीड्स अगर आप चाहें तो अपनी पसंद के वो भी ऐड कर सकते हैं या रेजन्स ऐड करेंगे। अब मैंने यहाँ पर ये लिया है अप्पम मोल्ड। तो अप्पम मोल्ड जो होता है उसमें बहुत अच्छी तरह बनती है ये रेसिपी। आप चाहें तो इस बैटर से पैनकेक्स भी बना सकते हैं, लेकिन ये अगर आप बनाएंगे तो कपकेक्स बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं। इसे हम हल्का सा ग्रीस कर लेंगे और फिर हम इसमें सारे पोर कर देंगे। सारी कैविटीज या सारे जो मोल्ड है उसके अंदर हमने डाल दिया है। अब हम इसे धीमी आंच पे कुक करने के लिए रख देंगे।
आंच आपको धीमी यानी लो से मीडियम रखनी है, तेज आंच पर इन्हें नहीं पकाना है। इन्हें अच्छी तरह कवर कर दीजिए और इन्हें पकने में लगेंगे 8 से 9 मिनट। तो देखिए कितने फूल कर कितने अच्छे हो गए हैं ये। इन्हें हम अब रिमूव कर लेंगे मोल्ड से और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तब तक जो बाकी बचा हमारा बैटर है उसे भी हम इसी तरह कुक कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी आपका एक हेल्दी ब्रेकफास्ट या स्नैक बनकर तैयार हो गया है। ब्रेकफास्ट में कंज्यूम कर रहे हैं तो आप इन्हें 2 या 3 खा सकते हैं इमीडिएटली, और अगर आप इन्हें स्नैक के तौर पर रखना चाहते हैं तो मेक श्योर कि इन्हें पूरी तरह ठंडा करके एक एयर टाइट ग्लास कंटेनर में या स्टील कंटेनर में आप इन्हें स्टोर करें। आप अगर इन्हें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख रहे हैं तो 2 से 3 दिन तक कंज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज फ्रिज में आप इन्हें ज़्यादा देर स्टोर कर सकते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूँ तो मीठा होने के बावजूद ये आपको वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे। दे विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर डाइजेशन, आपकी बोन हेल्थ के लिए, टीथ हेल्थ के लिए, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने के लिए बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। आप इनकी पिक्चर लेके भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इन ओट्स पीनट अपे की रेसिपीज के लिए और न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.foodfitnessandfun.com। आई विल अपडेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम यू टेक केयर, बाय बाय।